हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक रोमांटिक मूवी लाई हूँ। काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग है, तो मूवी में क्या क्या होता है उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मूवी के शुरू में हमें क्रिस नाम का एक रिच इंसान दिखाई देता है जो कि खुद के मेहनत पर सब कुछ हासिल किया है। फिर दूसरी तरफ हमें एनी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जिसका उम्र था 21 साल। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो एक गरीब घर की लड़की थी। एनी पढ़ाई की वजह से एक रूम रेंट पर लेके एक दोस्त के साथ रहती थी। उसका दोस्त रिपोर्टर है जिसका नाम होता है केट। एनी पढ़ाई करके जब घर गई तो देख रही केट की तबीयत बहुत ख़राब है। उसको आज क्रिस का इंटरव्यू लेना था। केट कहती है एनी को, प्लीज़ तुम मेरी जगह चले जाओ, क्रिस का इंटरव्यू ले लो। एनी मना नहीं कर पाती है, वो चली जाती है क्रिस का इंटरव्यू लेना। जब उसके ऑफिस के बाहर जाती एनी घबरा जाती है। इतना पैसे वाला इंसान है, पक्का एटीट्यूड होगा उसके अंदर। वो घबराते घबराते अंदर गई और उसका इंटरव्यू लेना शुरू की। इंटरव्यू के दौरान पता चला जिस तरह एनी ने सोची थी वैसा क्रिस नहीं है। क्रिस बहुत अच्छे दिल का इंसान है। फिर एनी और क्रिस बात करने लगा और इंटरव्यू का टाइम निकल गया, उन लोगों को पता नहीं चला। इधर हमें पता चलता है वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। फिर एनी जब जाने लगती है, क्रिस कहता है आओ मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। एनी मना नहीं करती। फिर क्रिस एनी को बाहर तक छोड़ देता है। अगले दिन एनी पढ़ाई करके अपना पार्ट टाइम जॉब के लिए एक शॉप पर जाती है। उधर क्रिस भी आ जाता है। क्रिस एनी से कहता है मैं इधर से गुजर रहा, तुमको देखा तो कुछ सामान लेने के लिए आ गया। एनी भी खुश हो गई कि आप आए, अच्छा लगा। फिर क्रिस से बातें करने लगी और क्रिस का सामान पैक कर दी। फिर क्रिस एनी को कॉफ़ी पर ले जाता है, एनी से बातें करता है। तो क्रिस को पता चला एनी बहुत सिंपल और अच्छी लड़की है, वो मेरी टाइप नहीं है। ये सोच के क्रिस उधर से उठ के चला जाता है। एनी कहता है क्रिस से क्या हुआ। एनी को क्रिस कहता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन तुम मेरे टाइप नहीं हो। ये सुन के एनी बहुत गुस्सा हो जाती है और उधर से चली जाती है। क्रिस भी उधर से चला जाता है। एनी का मूड बहुत ख़राब था। वो अपने दोस्त केट के साथ रात को क्लब में जाती है जहाँ पर एनी बहुत ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद एनी क्रिस को कॉल लगाती है और कहती है ना मुझे जितना भी गिफ्ट दिया है बुक सब मैं उसको वापस करना चाहती हूँ। क्रिस उसका बात सुनकर समझ गया कि एनी बहुत ड्रिंक की है। क्रिस कहता है एनी को तुम उधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। फिर क्रिस कॉल कर देता है, एनी को लेने जाता है। क्रिस देख रहा है एनी से कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है। ये देख के क्रिस बहुत गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर एनी बेहोश हो जाती है और क्रिस उसको उठा के अपने घर में लाता है। अगले सुबह एनी को होश आता है तो उसके घर काफ़ी आलीशान था। ये देख के वो शॉक हो जाती है, बोले मैं इधर कैसे आई। तो क्रिस कहता है बोले डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी। ये सुन के एनी शर्मा गई। फिर क्रिस उसके पास आके बैठा, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करने लगा। बात करते करते दोनों इतना क्लोज आ गए, दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। फिर कुछ देर बाद एनी क्रिस को एहसास हुआ कुछ ज़्यादा हो रहा है। दोनों जल्दी से शर्मा के अलग हो जाते हैं। फिर एनी और क्रिस एक ही घर में एक साथ रहने लगते हैं। क्रिस काफ़ी अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, तो एनी को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। प्लेन बुकिंग करके उसको सारा शहर का टूर करवाया। ये देख के एनी बहुत खुश हो गई। रात को एनी और क्रिस वापस आता है घर तो उधर देखते हैं क्रिस की मॉम उसके घर पर आई है। वो एनी को देख के काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है आज रात तुम दोनों मेरे घर डिनर के लिए आ रही हो। एनी खुश हो जाती है और हाँ में सर हिलाती है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस और एनी उनके मॉम के घर जाते हैं, दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। फिर क्रिस कहता है फिजिकल होने के लिए, एनी माइंड नहीं करती है, वो उसका बात मान लेती है। दिन पर दिन क्रिस हमेशा उसको फिजिकली यूज़ कर रहा था, ये बात एनी को समझ आ गई। एनी उससे सच्चा प्यार करती है तभी कुछ नहीं बोली। एक दिन एनी बोली चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन क्रिस उसका बात नहीं मानता है, कहता है हम लोग ऐसे ही रहेंगे, शादी कभी नहीं करेंगे, आई एम सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुन के एनी बहुत हर्ट होती है, उसका दिल मानो टूट गया। फिर एनी और क्रिस दोनों बहुत लड़ाई करते झगड़ा करते हैं। एनी फाइनल डिसीजन लेती है कि क्रिस के साथ वो नहीं रह पाएगी ऐसे। वो क्रिस को छोड़ कर हमेशा के लिए जा रही थी। क्रिस को बुरा लग रहा था और एनी से लास्ट टाइम कहा बोले फिर से सोच लो, तुम्हें पछतावा ना हो। लेकिन एनी साफ दिल की इज्जतदार और शरीफ लड़की थी, वो इस सब बात कभी नहीं मानेगी। वो क्रिस को छोड़ के चली गई। कुछ दिन बाद दोनों को एक दूसरे का बहुत याद आ रही थी लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। क्रिस का हालत बहुत ख़राब हो चुका था, उसको एनी की याद बहुत सता रही थी। क्रिस सोचता है मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ा है, मैं सच में एनी से प्यार करने लगा हूँ। फिर क्रिस को एहसास होता है प्यार का। फिर एनी के पास जाता है और बहुत माफ़ी मांगता है, एनी मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर इस मूवी का एंड हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।